अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और बहुत ही रिक्वेस्टिव वीडियो के साथ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही पिगमेंटेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक वीडियो बना दीजिए जिसमें मोटा मोटा सा हमें बता दीजिए। मोटा मोटा से मुराद ये कि बस चंद चीज़ें बता दीजिए कि ये यूज़ कर लो तो आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारे कॉमेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज़ के भी थे कि जो पूछ रही थी कि आप ही हम प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन हो जाती है उसके बारे में बता दीजिए, या आफ्टर डिलीवरी जो पिगमेंटेशन आ जाती है नेक पर और पूरे फेस पर तो उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, पिगमेंटेशन चाहे प्रेगनेंसी के वजह से आए या सन एक्सपोजर की वजह से आए, या अगर आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है उस वजह से आए, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है इस वजह से, किसी भी वजह से पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पर आती है, झाइयाँ जिसे कहते हैं, या यहाँ पर जो हो जाती हैं काली काली, किसी को ब्राउन ब्राउन होती है, किसी कोई मलाजमा कहता है, कोई झाइया कहता है, कुछ कहता है, ये सब पिगमेंटेशन ही होती है, ठीक है। तो किसी भी वजह से आपको आई हो, जो भी मैं आपको स्टेप्स आज बताने वाली हूँ वो अगर आप करते हो फॉलो, तो इंशाल्लाह ताला किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन हो, अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपकी पिगमेंटेशन से जान छूट जाएगी। तो बता दूँ आपको, सिंपल चाहिए स्किन केयर आपने अच्छी करनी होगी, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है पिगमेंटेशन के लिए, सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए बता रही हूँ। आपने कोई अच्छा सा फेस वॉश लेना है, उसमें आपके सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, और उसके अंदर आपका जो है AHA BHA हो, इस तरह की चीज़ें अगर आपके उसमें है, एक्सफोलिएटर वाला अगर वो है फेस वॉश, तो आपने इस तरह का फेस वॉश या क्लिंजर यूज़ करना है। दिन में दो बार यूज़ करना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 3 बार आप यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा आपने फेस वॉश नहीं करना है। उसके बाद अगर आप नाइट की बात करें तो नाइट में हमने क्या करना है, अपने फेस को आपने अच्छे से फेस वॉश की हेल्प से क्लीन किया, देन आपने अपने फेस के ऊपर सीरम लगाना है। सीरम विटामिन सी लगाना, अगर विटामिन सी ही नहीं, विटामिन सी हमेशा मैं कहती हूँ विटामिन सी आप ज़रूर लगाइए, और अगर विटामिन सी नहीं लगाना चाहते हैं आप तो अल्फा ऑर्बिटिन सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है पिगमेंटेशन के लिए। उसके अलावा नियासिनामाइड बहुत अच्छा होता है पिगमेंटेशन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर और भी ऑप्शंस आपको जानने हैं तो मैं पिगमेंटेशन पर प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी मैं लिंक कोशिश करूँगी डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लेना, वो भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। तो ये सीरम्स हैं आप यूज़ कर सकते हो, रात में आपने इनको यूज़ करना है, और अगर विटामिन सी अल्फा ऑर्बिटिन के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। दी ऑर्डिनरी का बेस्ट जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मैं दिखा दूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट है वो और बेस्ट रिजल्ट है इसके, बेस्ट रिजल्ट ये दी ऑर्डिनरी का। एस्कॉर्बिक एसिड 8%, अल्फा ऑर्बिटिन जो होता है वो 2% ही, उसकी जो 2% जो होता है वो इनफ होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये यूज़ करना तो ये बेस्ट ऑप्शन, और नहीं तो विटामिन सी या अल्फा ऑर्बिटिन में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, अच्छे से अपने स्किन में इसको पेनिट्रेट होने देना है, देन आपने कोई अच्छी सी क्रीम लगा लेनी है। मैं अच्छी सी क्रीम अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको बायोफेड ही कहूँगी, आपने बायोफेड लगानी है, बहुत अच्छी है वो डार्क सर्कल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, मेडिकेटेड क्रीम है, और मेडिकेटेड चीज़ें जो आपको पता है तो वो असर करती ही हैं, ठीक है। तो नुकसान साइड इफेक्ट उसके नहीं है कोई भी, कि खुदा ना खास्ता अगर आप छोड़ रहे हो तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी या कुछ और जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, आजकल मैं यूज़ करी, मैं दिखा भी दूँ आपको, उसमें जो है फेक भी आ रही थी लेकिन अब आजकल दोबारा से ओरिजिनल आना शुरू हो गई है, तो ये बेहतरीन क्रीम है बायोफेड, ठीक है। तो आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। इसकी पहचान ये है कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रेनुलर टाइप के, इसके अलावा ये क्रीम कलर की होती है, क्रीम कलर की वाइट में भी आ रही है, और इस्लामाबाद की जो होती है, मेड इन इस्लामाबाद की जो मैन्युफैक्चर होती है वो ओरिजिनल होती है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी आपसे, क्योंकि फेक फ़ौरन बन जाता है, कुछ जो भी प्रिंट हुआ हुआ होता है वैसा वैसे ही प्रिंट बन जाता है फेक पर भी। तो आप किसी ऐसी जगह से परचेज़ करें, ऐसे मेडिकल स्टोर से जहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलती हों, तो जब आप वहाँ से परचेज़ करेंगे तो कोई डाउट आपको रहेगा ही नहीं। उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है अपना सो जाएं, आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने अपने फेस को वॉश करना है। अच्छा मैं ये बता दूं, हफ्ते में आपने 3 दिन छोड़ के आपने स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। जो लोग, मैं हमेशा से कहती हूँ AHA BHA यूज़ करें, आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें, वो AHA बेहतरीन है, वो मैं दिखा दूँ मैं कौन सा AHA यूज़ करती हूँ, मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाती जाती हूँ साथ साथ के, मैं बता दूँ जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं वही आप लोगों को बता सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये यूज़ करो। दी ऑर्डिनरी का है, अगर आप चाहो तो पिक्सी का भी ले सकते हो, पिक्सी का भी आपको दिखा देती हूँ, पिक्सी का भी बेहतरीन है,
ठीक है, ये पिक्सी का है और ये है द ऑर्डिनरी का। बस फर्क इसमें इतना है कि क्वांटिटीज की कम है इसकी ज़्यादा है, काम दोनों का एक ही है। ये आप एक्सफोलिएटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आप सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो, या आप नहीं चाह रहे हो कि केमिकल्स पर आप आओ या एच ई बी एच एस पर आओ, तो आप जो स्क्रब कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि केमिकल्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते हैं, बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। जैसे कि AHA, BHAs, ये हमारे स्किन को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन सबको ख़त्म करते हैं, पिगमेंटेशन को ख़त्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते यूज़, तो आप कोई भी अच्छा सा स्क्रब यूज़ करो, एक्सफोलिएटर यूज़ करो। न्यूट्रोजेना का बेस्ट है, सैलिसिलिक एसिड वाला। आपने किस तरह से करना है, आपने स्टीम लेनी है। जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मतलब झाइयाँ यहाँ बड़ गंद, काले काले धब्बे हैं, निशान हैं, तो आपने स्टीम लेते जाना है साथ साथ, और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। पहले तो आपने स्टीम लेनी है, ठीक है। जैसे आपके फेस पर भाप लगने लगे गरम गरम, हल्का सा आपका जो फेस है वो वेट हो जाए, तो आपने स्क्रब लेना है अपने हाथ में, हल्के हाथों से, बिल्कुल जेंटली हाथों से 30 सेकेंड्स तक आपने फेस की मसाज करनी है, क्लिन एक्सफोलिएट करना है। 30 सेकेंड्स बाद आपने अपने मुंह को हटा लेना है और उस स्टीम को बंद कर देना है, और एक मिनट छोड़ना है अपने फेस को, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए वो। 1 मिनट बाद आपने अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेना है, और उसके बाद आपने मास्क ज़रूरी अप्लाई करना है जो फेस पैक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टीम के बाद एक्सफोलिएट करने के बाद, स्क्रब करने के बाद अपने फेस पर मास्क नहीं अप्लाई करते, जिससे जो पोर्स होते हैं वो ओपन के ओपन ही रह जाते हैं, उसके अंदर वो फिर गंद भर जाता है, फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप स्टीम लो या एक्सफोलिएट करो, फेस को स्क्रब करो, तो मास्क ज़रूर लगाओ। मास्क लगाने से क्या होता है, जो भी आपके पोर्स ओपन हुए हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आपने फेस पैक कौन सा लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक हैं। दी बॉडी शॉप का ग्रीन टी ट्री वाला बेस्ट है, उसके अलावा और भी रिजनेबल प्राइस में आते हैं फेस पैक, सैलिसिलिक एसिड के फेस पैक्स हैं, या वो जो आते हैं सबसे बेस्ट और सबसे रिजनेबल तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैटनॉट, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो क्ले है, काओलिन क्ले है, एक काओलिन क्ले का क्ले आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है वो। अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छे अच्छे मास्क हैं जो अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें बता दो, सबसे बेस्ट है आपका मुल्तानी मिट्टी, बेस्ट है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी में आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेना है, उसके अंदर विटामिन ई का जो एवॉन कैप्सूल जाते हैं, विटामिन ई का एक कैप्सूल आपने उसमें जो है डालना है। उसके बाद अर्क गुलाब से उसको पैक बनाना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। इंस्टेंट ग्लो भी उससे आएगा और फेस पैक का जो काम है वो भी करेगा। ब्राइटनिंग भी मिलेगी उससे, क्योंकि हम इसमें विटामिन ई डाल रहे हैं और रोज़ वाटर डाल रहे हैं, तो ब्राइटनिंग ये सब कुछ आपको मिलने वाला है ये इस एक फेस पैक से जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर आप ये नहीं चाहते यूज़ करना, तो आप क्या करोगे, चावल का आटा लोगे। चावल का आटा लेने के बाद उसके अंदर आपने छोटी चमची शहद डालना है और 3 कतरे नींबू के डालने के बाद अपने फेस पर उसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। ये आपने हर 3 दिन बाद करना है, हफ्ते में हर 3 दिन बाद, ठीक है। ये स्टीम लेनी है, स्क्रबिंग के साथ साथ, स्टीम के साथ साथ स्क्रबिंग करनी है, आपने फेस पैक लगाना है हर 3 दिन बाद। जैसे कि अगर आप मंडे या जब मंडे को कर रहे हो, तो ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे या फ्राइडे को आपने हर 3 दिन बाद आपने इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ये आपने करना है, और ये जब आपकी पिगमेंटेशन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो आपने ये नहीं करना है कि आपने छोड़ देना है। आपने अपने स्किन केयर को, चाहे अब स्टीम आप छोड़ सकते हो, 3 दिन बाद वाले जो आप कर रहे हो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन एक जो स्क्रबिंग है, एक्सफोलिएटिंग है, ये आपने हर 3 दिन बाद करनी है। जिस तरह से मैंने बताया, सारा प्रोसेस इसी तरीके से रखना है, क्योंकि फिर वही बाद में हर दफ़ा बताती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा सफाई कर लोगे घर की, तो वो हमेशा साफ़ नहीं रहेगा, उसको मेंटेन करना पड़ता है। रोज़ उठकर हम घर की सफाई करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक दफ़ा हमने सफाई कर दी फिर हम छोड़ देते हैं, महीने बाद उसको चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता। जब हम सुबह उठते हैं तो जैसे हर दिन एक नए दिन का आगाज़ होता है, हर दिन हम अपने घर की सफाई करते हैं, वही झाड़ू पोछा डस्टिंग अगर ना करें तो डस्ट का क्या आलम, आप खुद जानते हो। तो इसी तरह से हमारा फेस भी है कि हमें इसको रोज़ाना मॉर्निंग एंड नाइट में अपने फेस को क्लीन करना होता है। सन ब्लॉक का बता दूँ, सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर जा रहे हो, आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। घर में हो तो आप 30 से 50
SPF लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो 100 जो प्लस है 100 SPF आपने लगाना ही लगाना है। और अपने सनब्लॉक में PA++++ 3+ लाजमी होने चाहिए। उसके अलावा सनब्लॉक कौन सा अच्छा होता है इससे भी प्रॉपर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो जाकर कि कौन सा सनब्लॉक अच्छा कौन सा सनब्लॉक अच्छा है आपके लिए। तो ये सब कुछ मैंने बताया। अगर जो प्रेगनेंसी से जो भी डिलीवरी से फारिग हुई हैं वो भी सारी जो जिस चीज़ें हैं वो जो जो भी चीज़ें मैंने बताया सब फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला जो भी पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वही बात कि आपने छोड़ना नहीं है, इसको आप खाते रहो लगाते रहो। अब बात कर लेते हैं, अब तो हमने ओरली बात कर लिया, अब अंदर की बात कर लेते हैं। इंटरनली हमने क्या करना है, इंटरनली हमने क्या करना है। महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, गाजर ले लो, गाजर खा लो, चुकंदर ले लो, चुकंदर खा लो, सेब, किन्नू, मतलब इन चीज़ों में से जो आप अफोर्ड कर सकते हो आप वो खा लो, ठीक है। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज आप ले लो और आप फ्लैक्स सीड्स जो है उसका आप पाउडर बना के रख लो और उसको सुबह निहार हूँ आप एक चम्मच खा लो, उसका पानी पी लो, ठीक है। और अगर नहीं आप इस तरह से इसको खा सकते हो तो आपने क्या करना है, दही में एक चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर आपने लिया और दही में उसको मिक्स करके आपने वो खा लिया, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन वो काम करेगा आपके लिए इंटरनली। विटामिन सी के कैप्सूल्स, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो बहुत ही सस्ती होती हैं, वो तो काफ़ी सस्ती आती हैं, जो 1000 CC वाली आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं जो मल्टीविटामिन यूज़ करी, मैं यही यूज़ करी, मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो आप वो खाओ, और मतलब इंटरनली भी अपने आप को आप अच्छा रखो। दूध नहीं पी सकते हो कोई मसला नहीं, दही खा लो, ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हर चीज़ का नेमो बदल होता है, ठीक है ना। अगर आप कोई फ्रूट आपको महंगा लग रहा है तो उसके बदले कोई वही चीज़ें आपको दूसरे फ्रूट में मिल रही है वो सस्ता है तो आप वो खा लो। इस तरह से आप इंटरनल भी अपना ख्याल रखो तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने यही अपने स्टेप्स को फॉलो करना है तो पिगमेंटेशन दोबारा नहीं आएगी। सनब्लॉक लाजमी लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि सन एक्सपोजर से भी सन बर्न हो सकता है, पिगमेंटेशन सन एक्सपोजर में ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों को जो पिगमेंटेशन आती है वो सन एक्सपोजर से ही आती है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है। और उसके अलावा खाने पीने का मैंने आपको बता दिया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात और क्लियर कर दूँ कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन सी, अल्फाबोटिन, नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब कुछ, सैलिसिलिक एसिड, ये सब कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ओरली है, कोई आप खा नहीं रहे हो उसको, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, फेस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सैलिसिलिक एसिड भी 2% बेस्ट रहता है, अल्फाबोटिन भी 2% बेस्ट रहता है। उसके अलावा नियासिनामाइड आप यूज़ कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है कि आप भी प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसका भी आंसर पहले ही दे दूँ आपको कि प्रेगनेंसी में भी आप सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी, अल्फाबोटिन यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो पता है क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।